Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing current electricity and this is video lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching part 3. आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ की और उसके बाद बात करेंगे रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर की और आगे कुछ और भी. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ की. ओम्स लॉ क्या है? सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लीजिए कि आपको एक पानी का ये हम पानी का एक बर्तन ले लिया जाए और ऐसा बर्तन हो पानी का जिसमें वाटर लेवल ऐसा हो कि यहाँ पे वाटर लेवल ऐसा हो और एक दूसरा ही इसी तरह का बर्तन हो जिसमें सेम लेवल पे जो लगभग खाली हो या इसमें वाटर लेवल कम, दोनों के लेवल सेम. अगर इसे नीचे एक पाइप से इंटरनल पाइप से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इसमें जितना पानी का लेवल का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही तेजी से पानी इसमें से इसमें जाएगा. जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना. तो जितना ज्यादा होगा धीरे 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 जब इसमें पानी और भरने शुरू हो जाएंगे और भरते 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 इसमें लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इसमें लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. जैसे जैसे लेवल का डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे ये फ्लो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ जो वाटर फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और कम होते होते धीरे 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 जब दोनों में लेवल बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. और इसी तरह से करंट फ्लो के लिए भी एग्जांपल है, इसका कोई आपस में लॉजिक नहीं है बट समझाने के लिए एग्जांपल लिया है. करंट फ्लो भी तभी ज्यादा होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो. आपको पता है कि एक वायर है, वायर में करंट ऐसे नहीं फ्लो होता जब तक कि इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना हो. यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस से जब इसे जोड़ करके एक सर्किट पूरा किया जाता है किसी सेल के जरिए, किसी बैटरी के जरिए या किसी और के जरिए, तो ये करंट इसमें फ्लो होता है ना. इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं. ये बात आप पढ़ चुके. इसका मतलब है कि अगर ये दोनों के बीच में जो टर्मिनल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अगर ज्यादा हो तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा. सिमिलर लाइक ये जैसे कि इसमें पानी का लेवल बहुत ऊंचा हो तो ये वाटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. जनरली आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में पानी की टंकी बनी हुई होती है और पानी की टंकी बहुत ऊंची बनाई जाती है इसलिए ताकि वहां से बिना किसी मैकेनिकल एफर्ट के जो ऊपर में पानी जमा है वो नीचे से आकर के और बड़ी स्पीड से बिल्डिंग में चढ़ जाए और अलग अलग टंकियों में पहुंच जाए या घरों में भी पहुंच जाए. तो जिस तरह से यहाँ पे लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा हो रही है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो फास्ट होगा. और इलेक्ट्रॉन का जैसे कि हमने आपको बताया था कि करंट जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड. इसका मतलब है कि ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा. इसका मतलब है कि ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करेंगे, जब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा तेजी से ड्रिफ्ट करेंगे और तेजी से ड्रिफ्ट करेंगे तो जो होगा वो क्या होगा, करंट का फ्लो ज्यादा होगा. यही बात सबसे पहले ओम्स ने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने अपना नाम दे दिया जिसके लिए इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओम्स लॉ यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा हो तो दो टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो यहाँ करंट का फ्लो ज्यादा होगा. ऐसा उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा. मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले एक सेल लगाया, फिर दो सेल लगाए, फिर तीन सेल लगाए, फिर चार सेल लगाए और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बार बार उन्होंने मेजर किया. ऐसा मेजर करने पर पता चला कि करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है. तो इसी बात को ओम्स लॉ कहा जाता है. यानी ओम्स लॉ कुछ और नहीं है, जस्ट क्या है कि एक का ये लिखते हैं ओम्स लॉ. उन्होंने ये कहा कि करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है. सो द करंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट
कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब शर्त यह है कि ऑल फिजिकल कंडीशन, लाइक फिजिकल कंडीशन में, क्या क्या आता है, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन ऑफ द वायर एटसेट्रा, मैकेनिकल स्ट्रेन ऑफ वायर एटसेट्रा, प्रेशर, ये सब होता है फिजिकल कंडीशन, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये होता है, ये है ओम्स लॉ। इसने ये कहा कि पोटेंशियल करंट जो है, ये करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस है। एक वायर यहाँ पे है और इसमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इस दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए ये है बी है, लेंथ ऑफ वायर है, और यहाँ पे प्लस माइनस के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस इसमें वी क्रिएट हो रहा है, तो ये करंट जो इसमें फ्लो होगा वो आई इज डायरेक्ट, ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज इफ वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस टू एंड ऑफ कंडक्टर, देन करंट आई फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, हैज रिलेशन, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल होता है तो उसे इक्वल टू लिखने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, इसको इक्वल टू लिखने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं r, इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर आई चाहे आई आर, ये होता है। अब ये R जो है वो क्या होगा, R इज V अपॉन I, यानी V है क्या, वोल्ट, और ये क्या है करंट का, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं क्या, ओम, तो SI यूनिट ऑफ ओम सिंबल है ये, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता क्या है, अब सवाल ये है कि ये रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या होता है। रेजिस्टेंस जैसा कि नाम है, वो रेजिस्ट करता है किसको, रोकता है, रेजिस्ट मतलब अवरोध उत्पन्न करना, रोकना, किसको रोकता है, करंट, फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो ऑफ करंट को ये रोकता है। रेजिस्टेंस इज द रेजिस्ट्स ऑफर्ड बाय कंडक्टर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, तो करंट अगर फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट करेगा, कितना रेजिस्ट करेगा ये कई सारी बातों पे निर्भर करता है, इसकी बात चर्चा थोड़ी सी हम बाद में करेंगे। पहले ये देख ले कि ये ग्राफ क्या होगा इसके लिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है,
इसलिए अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें और पोटेंशियल इधर की तरफ बढ़ाएं, करंट इधर की तरफ अगर बढ़ता रहे तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन अगर मान लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा करंट भी बढ़ता जाएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जो कंडक्टर, ये ओम्स लॉ को, सारी कंडक्टर ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करे और ओबे करे ऐसा जरूरी नहीं है। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर, ठीक है। और जो फॉलो नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ये अभी थोड़ी देर में इस रेजिस्टेंस के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से कंडक्टर ओमिक कंडक्टर होते हैं और कौन से कंडक्टर नॉन ओमिक होते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि राइट ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ एंड वेरीफाई इट, तो इसका डिडक्शन या डिड्यूस द फॉर्मूला, वेरीफाई विद द डिडक्शन या डिड्यूस द फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ, तो ये क्या होगा और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो हमें इसके साथ साथ, इस ग्राफ के साथ साथ डिडक्शन करना होगा ओम्स लॉ का। तो व्हाट इज डिडक्शन? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यानी वेरिफिकेशन। डिडक्शन मतलब ओम्स लॉ कहां से आया, इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ओम्स लॉ कहां से आया, ये हमें देखना है कि ओम्स लॉ कहां से आया। हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जानते हैं, एक कंडक्टर का लेंथ हमें पता है ना, एक कंडक्टर का लेंथ हमें पता है, ये कंडक्टर की लेंथ है। अगर मान लेते हैं कि ये लेंथ एल है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है वी, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वी बाई एल, ई होगा वी बाई एल, ये आप जानते हैं। वी ऑल्सो नो, वी नो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या होता है बताए, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, ये होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बट वेलोसिटी ये होता है ना। अब ई के बदले वी बाई एल भी लिखा जा सकता है ना? ये डायरेक्शन के लिए है। तो हम वी डी इज इक्वल टू, इसको सिंपली अगर स्केलर फॉर्म में लिखें तो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम लिखा जा सकता है और ई के बदले वी बाई एल लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी बाई वी टाउ अपॉन एम एल, है ना। अच्छा, ये चीज हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ये दूसरा इक्वेशन मान लिया। वी हैव लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अभी सीखा था। वी नो ऑल्सो नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, एन ई ए वी डी। तो एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आप इसमें वी डी का रिलेशन रख दें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी के बदले ई वी वाई वी टाउ अपॉन एम एल। बोलिए, अब L से L क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया एन ई ए वी डी और वी डी के बदले हमने रख दिया है एन ई ए वी डी के बदले ई वी टाउ, ये है ई वी टाउ, है ना। और ई से यहाँ पे एल है, एल है। अच्छा, अब टाइम के बदले क्या लिख सकते हैं, अगर ये कंडक्टर, जैसा कि अभी हमने कहा था कि ये कंडक्टर का लेंथ है एल और ये टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है ना, तो वी वाई एल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस एल को रिप्लेस करने के लिए क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है। तो यहाँ पे ये हो गया एन ई स्क्वायर ए, है ना, और उसके बाद ये हो गया टाउ अपॉन एम एल, है ना,
और ये वी जो है यहाँ पे, ये सारा चीज एक कांस्टेंट की तरह है। देखिए एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता ही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट होता है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वो भी कांस्टेंट है किसी वायर के लिए। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, वो भी कांस्टेंट है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी कांस्टेंट है। एल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है, वो भी कांस्टेंट है। तो इस सारा का सारा चीज कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे आई अपॉन चाहे वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी अपॉन आई इज इक्वल टू, ये आई इधर आके डिवाइड हो जाती है, ये इधर आ जाएगा। तो सो व्हाट विल हैपन, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इनटू टाउ, एंड दैट एक्सप्रेशन इज ऑल कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज आर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वी बाई आई इज इक्वल टू आर, ये कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज आर। सो आर किसके बराबर है, इसका मतलब है कि वी इज, यहां से देख सकते हैं आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि आई ये कांस्टेंट है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये कह सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो एक ही बात है, ये हम कह सकते हैं। और ये अगर कंपेयर कर ले वी इज इक्वल टू आई आर से, तो वी वाई आई इज इक्वल टू आर, इसका मतलब आर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को क्या कहेंगे आर। तो इससे प्रूफ हो गया कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। आर इज वॉट, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आ गया वेयर आर इज इक्वल टू, वेयर आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये हो गया। इसमें भी आप देखें तो एम एन ई स्क्वायर ए एन ई स्क्वायर टाउ ये कॉन्स्टेंट है, और यहां पे अगर एल बाई ए लिख सकते हैं, ये एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग लेंथ होगी, तो अलग अलग अगर लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, यानी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम ये आर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन लिख दें, एम एल ये एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए, ध्यान से देखिए एम एन ई स्क्वायर टाउ और ए है, तो यहां पे अगर इसको हम लिख दें आर इज एम एन ई स्क्वायर टाउ टाउ एल बाई ए, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल का एक पर्टिकुलर मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, रिलैक्सेशन टाइम कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई तो कांस्टेंट ही है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। दैट कैन बी डिफाइंड एज वेयर आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज, वेयर रो इज कॉल्ड एम एन ई स्क्वायर टाउ, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जरा इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में कि ये क्या है। जैसे हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या इसका मतलब हुआ कि अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है, ये क्योंकि हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, टी होता है टाइम, जितना देर तक वो करंट उसमें फ्लो होगा, तो आई बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब भी हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो बल्ब अगर देखा हो
तो ये बल्ब का फिलामेंट जो होता है, ये बल्ब है और बल्ब का ये फिलामेंट जो है, इसमें आप देखे होंगे कि एक वायर होती है, ऐसे ऐसे वायर होती है और ये बहुत बहुत पतले 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 इसमें वायर एक जुड़े होते हैं। तो ये जो फिलामेंट होता है बहुत महीन तार का बना होता है और बहुत लंबा होता है, जिसको घुमा घुमा के उसमें लगाया होता है। या हीटर का कॉयल देख सकते हैं, वो भी बहुत लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, और रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस कर सके तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीटर का काम क्या है? हीट ज्यादा प्रोड्यूस करना। हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो ज्यादा यूजफुल होगा। तो इसका मतलब है कि फैक्टर्स, हम कहें कि फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, बट फर्स्ट वी विल ट्राई टू राइट डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द वर्च्यू ऑफ कंडक्टर थ्रू व्हिच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कंडक्टर इज द वर्च्यू बाई व्हिच वर्च्यू ऑफ कंडक्टर बाई व्हिच इट रेजिस्ट्स फ्लो ऑफ करंट करंट थ्रू कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर होंगे? पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ एल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर कंडक्टर देन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मीन्स इफ लेंथ इंक्रीजेज, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज कंडक्टर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज इंक्रीजेज ठीक है। इसीलिए जो फिलामेंट होता है वो काफी लंबे तार का बनाया जाता है कि जिसमें लेंथ बहुत ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। या क्वाइल बनाया जाता है, हीटर का क्वाइल, वो भी बहुत लंबे तार का होता है और उसको छोटी सी जगह में रखने के लिए कई बार उसको फोल्ड किया जाता है, उसको मोड़ा हुआ रहता है। लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अगर वायर ज्यादा होगा बड़ा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसी तरह से घरों में देखे होंगे कि आपके एक कमरे में दो तीन जगह स्विच लगे होंगे, यहाँ वहां वहां जहां तहां स्विच लगे होंगे। जैसे जैसे बल्ब होती है वहां पे स्विच होता है, इसलिए लगा होता है कि अगर नजदीक में बल्ब होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगा, वायर कम गर्म होगा, हीटिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। छोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा और करंट का फ्लो ज्यादा हो सकेगा। तो बल्ब जहां पे भी होता है, एक ही हॉल में एक कमरे में देखे होंगे दो तीन जगह स्विच बोर्ड लगा होता है, ऐसा इसीलिए लगा होता है ताकि वायर कम से कम इस्तेमाल हो एक बल्ब को जलाने के लिए, इक्विपमेंट को जलाने के लिए, और ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो। और रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम से कम प्रोड्यूस होगा, शॉर्ट सर्किट लगने का डर कम रहेगा, आग लगने का डर कम होगा, है ना। तो इसलिए तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। दूसरा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर का ये मोटा वायर हो तो इसमें ये एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो तो करंट जो होगा वो क्या होगा? कम फ्लो होगा, करंट
करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मोटी वायर से जैसे चौड़ी सड़क पे गाड़ियां आसानी से चली जाती है और पतली सड़क पे गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती है, बहुत सारे भीड़ होती है, उसी तरह से अगर वायर मोटी हो तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। करंट का फ्लो ज्यादा होगा मतलब इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम से कम ऑफर हो रहा है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा वायर मोटी होगी, रेजिस्टेंस कम अफर्ड होगा। आपने देखा होगा घर में आपके बल्ब जलाने के लिए पतली तारे लगी होती है वायरिंग में, और अगर कोई एयर कंडीशन या फ्रिज या ये सब लगा होता है तो मोटी वायर लगी होती है। मोटी वायर इसलिए लगी होती है कि वहां करंट ज्यादा जरूरत होती है उसको चलाने के लिए, उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए, और करंट का ज्यादा फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, तो इसलिए मोटी वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज, ठीक है, सो दैट विल फ्लो विल बी मोर एंड रेजिस्टेंस विल बी लेस। द थर्ड थिंग इज नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल। सो फॉर डिफरेंट मटेरियल देयर इज अ डिफरेंट रेजिस्टिविटी। सिल्वर इज गुड कंडक्टर देन कॉपर, कॉपर इज गुड कंडक्टर देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज गुड कंडक्टर देन आयरन, राइट ना। सो हियर वी कैन हैव अ कंडक्टिविटी सीरीज इन व्हिच वी कैन डील विद द डिफरेंट कंडक्टर हैज डिफरेंट कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। So, resistivity of conductor is depend upon the nature of the material. So, third thing is that resistance also depends upon the material in which the conductor is made of. Another thing which is very important and that also depends on the resistivity, that is temperature. So, fourth factor which is we have to learn fourth factor is temperature. What will happen? Temperature. What will happen and how it will depend? Temperature. Conductor. Most of the conductors are made of metals. Some conductors are not metals, but also they are behaving as a conductor, like liquid conductor and some non-metals and even insulators. They are not conductor, but there is also resistance in it, because high resistance they are not able to conduct the current, and that is why this is insulator. So insulator are nothing else but it is a conductor which has high resistance, and due to high resistance it is not able to conduct current. Resistivity is more and therefore conductivity is very poor, and so it is not able to conduct the current or flow the current will pass current flow the current will be possible. तो इस तरीके से इंसुलेटर भी कोई अलग चीज नहीं होता, वो भी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि वो करंट को पास नहीं होने देता। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, लेट आर नॉट बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, बी द resistance of conductor at 0 degree Celsius, okay? Now when it is get heated and RT, let RT be the resistance of conductor at temperature T, then relation in which it depends
आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। इफ टी इज स्मॉल, इफ टी इज वेरी स्मॉल देन वी कैन इग्नोर टी स्क्वायर, देन टी स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, नेग्लिजेबल, है ना। टी अगर बहुत छोटा हो तो टी स्क्वायर नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसलिए ये बन जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी, एंड दैट कैन बी रिटन एज आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा टी, और अल्फा टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर नॉट माइनस वन। सो फैक्ट इज दैट आर टी इज इक्वल टू अल्फा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, एंड अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू वन बाई टी, है ना। दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट, राइट ना। अब ये टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर अगर ये अल्फा पॉजिटिव हो अगर, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। दो बातें होंगी, केस फर्स्ट व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव, इन दिस केस आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट, दैट इज टेम्परेचर With increase in temperature, resistivity increases. That is, with increase in temperature, temperature resistance increases, increases. So, where it will be alpha positive? That is in metals. So, most of the metals, most of the metals. Has most of the metals has temperature coefficient positive, has temperature coefficient coefficient is positive, and that means what it means, in metals temperature resistance increases with increasing temperature, that is therefore in metals temperature resistance increases, resistance increases with increase in temperature, in temperature, ठीक है, टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अब ये अल्फा निगेटिव कब होगा, तो अल्फा जो है, दूसरा केस, अल्फा इज लेस देन जीरो, दैट इज अल्फा इज निगेटिव फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इट मींस इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर अल्फा इज निगेटिव। अल्फा निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि आर नॉट आर टी माइनस आर नॉट इज लेस देन जीरो, एंड देयर फोर आर टी इज लेस देन आर नॉट, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। सो दैट इज विथ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, दैट इज resistance will decrease, resistance will decrease, decrease with increase of temperature, increase of temperature in insulators and semiconductors, conductors, ठीक है। यहां टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी,
ठीक है। वैसे इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, और हाई रेजिस्टेंस होता है तो थोड़ा बहुत डिक्रीज करने के बाद भी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई होता है कि ऐसा नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होकर के कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा और एक कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। तो उसकी रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के कंसर्न में ये है कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती, सेमीकंडक्टर में जो है वो रेजिस्टिविटी थोड़ी मॉडरेट होती है, और जो इंसुलेटर होता है उसमें बहुत हाई होता है। तो सेमीकंडक्टर थोड़ी सी टेम्परेचर देने के बाद वो कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है, लेकिन इंसुलेटर जो है उसमें चाहे कितना भी आप टेम्परेचर दे दें, टेम्परेचर देने के बाद भी वो इंसुलेटर ही रहता है क्योंकि रेजिस्टिविटी उसमें बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इस तरीके से आपने मोटे तौर पे ये सीख लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस कैसे और किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कंडक्टर के लिए जरूरी है कि रेजिस्टेंस उसमें मिनिमम होना चाहिए ताकि उसमें करंट ज्यादा बेहतर फ्लो कर सके। कहीं कई जगह हमें रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम रेजिस्टेंस हाई वाला यूज करते हैं, और ये मेटलॉइड्स का होता है, मेटल नहीं मेटलॉइड्स का हम बनाते हैं जिसमें हाई रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेटल में रेजिस्टेंस तो बढ़ता है लेकिन मेटलॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। मेटलॉइड्स इसलिए कि मेटलॉइड्स इस्तेमाल करने पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी वो वेरिएंट नहीं होता और उसमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए मेटलॉइड का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। और जो बल्ब वगैरह बने होते हैं उनकी फिलामेंट जो है वो टंगस्टन वगैरह की बनी होती है, इसलिए ताकि वो जो है मेल्ट ना करे और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो और हाई रेजिस्टेंस उसका होता है इसलिए। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगली क्लास में फिर बात होगी, और तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें, आनंद रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, और हमारी चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों में फैलाते रहें, और कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।